हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए चैनलिंग मैसेज लेकर आई हूँ, जो कि डिवाइनली गाइडेड मैसेज है। ये सब के लिए मैसेज है, चाहे कोई भी जर्नी हो, चाहे कोई भी ट्विन फ्लेम हो, सब के लिए ये मैसेज है जो कि मुझे एंजल नंबर के द्वारा मिला है। और दो एंजल नंबर और भी हैं जो भी मुझे वो दिख रहे थे, मतलब रिपीट हो रहे थे बार बार, तो वो भी मैसेज आपके लिए ही है। तो एक ऐसा एंजल नंबर है जो शायद आपकी किस्मत बदल सकता है। तो ये जो मुझे डिवाइन की तरफ से मुझे ड्रीम में मुझे आप लोगों के लिए दिया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो वो एंजल नंबर है 858, जिसको मैं प्लस करती हूँ तो 21 बनता है, और 21 को प्लस करने पे 3 बनता है। तो 3 का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है। तो ये नंबर मुझे सुबह मॉर्निंग में 3 o'clock मुझे मिला, और 3 का मतलब ही मीटिंग हुआ, ठीक है। तो इस नंबर को ये मुझे इस नंबर से गाइडेंस ये मिली है कि आप जो अभी तक अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, या किसी वजह से आप लोग काफ़ी टाइम हो गया, या हो सकता है बड़े सालों से नहीं मिल पा रहे हो, बहुत टाइम से आप लोगों की मीटिंग कभी नहीं हुई है, मतलब या तो कभी मिले ही नहीं, या तो कभी ऐसे ओनली सोशल मीडिया में मिले हो, या आपके बहुत सेपरेशन हो गया, 10-15 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 2-3 साल हो सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का अगर ये नंबर आप इसको चैट करते हैं, ठीक है, चैट करते रहें, और या तो इसको अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने आईडी सोशल मीडिया की कोई भी आईडी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं पर भी अपने नेम के आगे इस नंबर को लिखें और इसको चैट करें, ठीक है। ये नंबर आपके लिए बहुत बेनिफिट आपको देने वाला है। तो ये आपकी विशफुलमेंट नंबर है जो कि मुझे डिवाइन की तरफ से मिला है। हो सकता है ये आपकी किस्मत बदल दे अगर आप इसे चैंट करते हैं, तो ये आप ही के लिए हो सकता है, और ये आप ही की विश पूरी, जो भी आपकी विश है ये उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। और ये नंबर का चैंट से मतलब कोई भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप, कोई भी फील्ड में आप परेशान हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको मिल नहीं पा रही थी, ठीक है, वो मनी भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है जो आपकी मन इच्छा जॉब हो, कुछ भी हो, इसको चैंट करने में हर फील्ड में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरा नंबर है 117, वो भी एंजल नंबर है, जो कि इसे प्लस करें तो 9, और आज क्या है 9, ठीक है, 9 अक्टूबर, तो इसका मतलब है कि आज आपकी विश फुलमेंट पूरी हो सकती है। ये इंडिकेट करता है आपकी विश फुलमेंट के लिए, जो आपका कभी गोल था आप पूरा करना चाहते थे वह अधूरा रह गया, तो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं आज। तो ये नंबर आपको दिख रहा है, तो ये आपकी कोई विश फुलमेंट पूरी होने वाली है, या आगे जाके हो सकती है, ठीक है। दूसरा एक नंबर है 777, ठीक है, इनको प्लस करती तो इसका मतलब भी 3 बनता है प्लस करने पर, तो इसका मतलब भी मीटिंग ही होता है। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 777, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, जो कि अगर आप इस रिलेशनशिप में हो, जैसे कि आपके रिलेशनशिप के द्वारा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे और आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है आपकी लाइफ में, तो ये इंडिकेट करता है, ठीक है। ये नंबर भी कहीं ना कहीं मीटिंग को ही, विशफुलमेंट को ही, या मीटिंग को आपकी पूरी करता है। तो मैंने डियर, अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने थोड़े दिन पहले जब ये मुझे जो 585 वाला जो एंजल नंबर मुझे जब मिला था, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त मर्जिंग फील हो रही थी, ठीक है, मर्जिंग मुझे फील हुई, तो मुझे बहुत बेचैनी हुई उस टाइम। मैं उठ के बैठी हूँ और मैंने, मुझे प्यास बहुत लगी, मैंने बहुत पानी पिया उस टाइम उठ के, और मेरे हार्ट पे भी उस टाइम मुझे पेन हुआ, जो मुझे आपको पता है डीएम की एनर्जी मिसिंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि जिन लोगों की इस अवेकनिंग या जिन लोगों की यूनियन नियर है, तो उन्हें वाटर और नेचर से रिलेटेड कुछ भी आपको देख रहे होंगे, या आपका बहुत ज़्यादा, आजकल आप समझ रहे हो कि आजकल बारिश बहुत हो रही है, तो वो भी पानी आपको कहीं ना कहीं हर जगह दिख रहा है, और नेचर कनेक्ट आप खुद हो रहे होंगे, कुछ भी आपको क्लियरिटी जो आपको मिलने वाली थी, शायद ये एक नंबर जो मुझे एंजल नंबर दिया गया है, इसको चैंट करने के बाद वो आपको क्लियरिटी भी मिलेगी और आपको आपके डीएम भी मिलेंगे। तो ये विशफुलमेंट नंबर है,
जो आपको चैंट करना है आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि एक मिरेकल की तरह है, जो अभी थोड़े दिन पहले बात की गई थी और आज वो रियलिटी में आपके सामने जो दिखा और मुझे महसूस हुआ, मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो अब इसे चैंट कीजिए, आप देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है। तो आप सबको ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ेगा, करिए गॉड एंजल एंसेस्टर को।